लो जी देखो, तो इमोशनल ईएमएफ, ये हमारा सेकंड टॉपिक हो गया। पहला टॉपिक है हमारे पास फैराडेज एंड लेंज लॉ। वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि व्हाट इज अ फैराडे लॉ एंड व्हाट इज लेंज लॉ, ठीक है। तो आज हम उसका एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो उसका है वो आता है हमारे पास इमोशनल ईएमएफ के रूप में। तो अब क्या क्या चीजें हैं ये चेक करते हैं। देखो, फैराडे लॉ जो है, अभी तक जो हमारे पास नॉलेज है उसमें हमने ये देख लिया कि फैराडे लॉ हमें क्या बताता है। 2 मिनट यहाँ पर मिले। नाउ फैराडे लॉ टेल्स अस दैट इफ, मैं दोबारा लिख रहा हूं डेफिनेशन इसकी, इफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ सर्किट चेंजेस विद टाइम एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। तो सर्किट में क्या होता है, सर्किट है हमारे पास एक, और उस सर्किट का एक मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ एसोसिएटेड है। कहने का मतलब वो जो सर्किट था वो किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा, उसका कोई ना कोई फ्लक्स है। अगर उसके फ्लक्स में कुछ चेंजेस होंगी तो उस सर्किट में हमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया, ठीक है। तो इसके लिए फैराडे ने एक फार्मूला भी दिया था। नाउ ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये मैं सब रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास, ये आ गया आपके पास ई एम एफ का एक सर्टेन फॉर्मूला। तो अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से स्टडी करते हैं। देखो, फाई जो है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय वाट, गिवन बाय द फॉर्मूला दिस। तो इसकी बिल्कुल फ्लक्स वाली डेफिनेशन हो सकती है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। नॉर्मल हमारी डेफिनेशन है, कोई फील्ड लाइन आ रही है उसके अंदर हमने एक एरिया रखा हुआ है, यहां से फील्ड लाइन जा रही है, जो इसके पैरेलल, जो इसके परपेंडिकुलर होंगी वो फील्ड लाइन हमें काउंट करनी है। अगर मैं इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दूंगा तो उसमें हमें कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, दैट इज कॉस थीटा। तो फाइ बी मैथमेटिकली इट कैन बी डिफाइंड एज फाइ बी इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। यहां पर मेरे पास अगर मैं इंटीग्रेशन के साइन को हटा दूं फॉर द टाइम बीइंग तो ये आ जाएगा डीएस कॉस थीटा, दिस विल बी 5b। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं फ्लक्स को चेंज करना चाहता हूं तो दैट कैन बी डन इन 3 वेज। नंबर वन मैग्नेटिक फील्ड, बी हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है बी उसको वेरी किया, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक रिंग है, अगर मैं इस रिंग के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो इसका एक फ्लक्स है, अगर इसका कल मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो जाता है तो फ्लक्स वेरी हो जाएगा। दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको मैं लिख सकता हूं ए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे चेंज होगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ।
जो आज हमें डिटेल में पढ़ना है. दिस पार्ट इज कॉल्ड इमोशनल ईएमएफ. थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास ऐसा है कि अगर मैं इस डी फाइव बी को डी टी पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास टाइम पे वेरिएबल होने के तीन वेरिएबल हो गए, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड थीटा. तो थर्ड वेरिएबल है मेरे पास थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. मतलब मेरे पास जो कॉयल है वो कॉयल वेरी करती रहे इस तरह से. अगर मैं उसको रोटेट करने लग जाऊं, उसका थीटा वेरी हो जाए, तो भी मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करके ईएमएफ को इंड्यूस करके करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है. तो देयर आर थ्री मेथड्स इन विच वी कैन डू दैट. सो फर्स्ट मेथड हम आज करने वाले हैं सबसे पहले, तो वो हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड. ये लिखता हूं बाय वेरिंग मैग्नेटिक. तो अब मैग्नेटिक फील्ड को हमने वेरी किया जी. तो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज अ वेरिएबल ऑफ टाइम एट सम सर्टेन लोकेशन. ओके, एग्जांपल लेंगे सबसे पहले. मान लो मेरे पास एक यहां पर सर्किट है एंड देयर इज सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनटू द बोर्ड. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यही आपके पास एक टाइम वेरिएबल दे रखा है, दैट इज 2t+3. ये टाइम वेरिएबल दे रखा है आपके पास कोई भी, कि मैग्नेटिक फील्ड है जी उस लोकेशन पे, टाइम के साथ उसका कोई रिलेशन हमने फाइंड कर लिया. अगर दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो फाइंड कर लिया हमने, ये बन गया. तो अब इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि इसमें ईएमएफ कितनी जनरेट होती है. इन सच केसेस व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया और थीटा कभी वेरी नहीं होगा, वो दोनों के दोनों हमें कॉन्स्टेंट दिए होंगे. तो दिस इज केस नंबर वन. तो मैंने यहां पर बना दिया फाइव इज इक्वल टू इनटू कॉस थीटा. कॉस थीटा को मैंने रिमूव कर दिया, कॉस थीटा को रिमूव नहीं, 0 degree सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. यहां मैंने लिख दिया थीटा इज टेकन टू बी 0 degree. अब देखो आप, क्या ये 0 degree आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सोच के देखो. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो एरिया कहां देख रहा है, अंदर ही देख रहा है. अगर ये एरिया हमारी तरफ देख रहा है तो भी एंगल 180 डिग्री आएगा. तो 0 डिग्री आए चाहे 180 डिग्री आए, इन बोथ ऑफ द केसेस मेरे पास कॉस 0 की वैल्यू 1 आएगी. तो वो मैंने 1 पुट कर दी और मेरे पास ये 5 भी आ गया. वेयर बी इज ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, so by Faraday's law EMF that is induced will be equal to d phi by dt. और यहां पर मेरे पास अब b हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो phi is equal to b into a. तो b हमारे पास यहां पे कॉमन ले लेंगे हम, सॉरी एरिया हमने कॉमन ले लिया और बी को हमने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दिया. तो ये मेरे पास बन गया 2t+. सो दिस विल बी द ईएमएफ दैट विल बी जनरेटेड इन दिस रिंग, इन दिस सर्किट. तो यहां से हमें पता चल गया कि यहां पे लिखूंगा सो द ईएमएफ जनरेटेड in such case will be a variable. तो ये एक वेरिएबल होगा, ठीक है. इट विल बी अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो किसी एक सर्टेन टाइम की वैल्यू पर मुझे ई एम एफ फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है. जैसे मैं बोल दूं कि t इज इक्वल टू 2 पे फाइंड कर दो, इसमें t इज इक्वल 2 की वैल्यू आप पुट करोगे और आपके पास ई एम एफ की एक वैल्यू आ जाएगी. तो वो हमारे पास होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू. तो इंस्टेंटेनियस हो, एवरेज हो, ये वो बात की बातें चले जाती है. तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट केसेस इन विच वी कैन डायरेक्टली वेरी द मैग्नेटिक फील्ड बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम
और हमारे पास एक ईएमएफ जनरेट किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होता जो टाइम पर वेरी हो सके। हमारे पास कुछ इतना अच्छा टाइम मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट ही नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें बहुत सारे और मेथड्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमें यह पता चल गया कि भाई ईएमएफ तो जनरेट हो गया, बट व्हाट अबाउट दी डायरेक्शन। और दूसरी चीज, ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है, दिस इज नॉट अ जनरल फॉर्मूला दैट यू वांट टू यूज एनीवेयर, बिकॉज मैंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड की सर्टेन वैल्यू या सर्टेन एक्सप्रेशन अपनी तरफ से अज्यूम किया है। तो जरूरी नहीं कि आपके पास क्वेश्चन पेपर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कुछ और आया, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो यही हो। तो ये वाला फार्मूला आपने याद नहीं करना, आपने सिर्फ मेथड को समझना है कि बाकी चीज़ों को मैंने कांस्टेंट रखा और डीवी बाई डीटी की मैंने यहाँ पर वैल्यू ऐसे निकाल दी डिफरेंशिएट करके, बाद में टी की वैल्यू निकाल के ई फाइंड कर दी। सो दिस इज द पार्ट वन। सो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब ये कैसे फाइंड होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए भी मैंने बताया था हमारे पास कौन सा यूज करेंगे हम रूल, नहीं इसमें राइट हैंड वो नहीं यूज होगा, इसमें हमारे पास लेंज लॉ में लेना पड़ेगा, लेंज लॉ लगाना पड़ेगा। तो अब लेंज लॉ कैसे देखेंगे, देखो बच्चे, अब इस केस को मैं देखना चाहूंगा, तो जैसे जैसे मैं टाइम की वैल्यू को इंक्रीज करता जा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पर इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे मेरा फाई इंक्रीज हो रहा है, तो डी फाई बाई डी टी मेरे पास पॉजिटिव है और ई एम एफ भी मेरे पास एक पॉजिटिव ई एम एफ आएगी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब मैं यहां पर लेंज लॉ अप्लाई करूंगा तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होगा, मतलब उल्टा। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड था और इसकी डायरेक्शन क्या थी, इनटू द बोर्ड, और इनटू द बोर्ड इसकी फ्लक्स को, फ्लक्स इंक्रीज हो गया, तो इसका जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यहां पर लिखता हूं, इंड्यूस्ड करंट विल बी सच, as to will be such it will try to nullify the effect of change in flux. फ्लक्स चेंज हुआ, अगर फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो ये अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला करंट बनेगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हुआ तो करंट ऐसी डायरेक्शन में जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने वाली डायरेक्शन में ये नया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ऊपर ठंडी होगी, कोई नहीं, मैं पी लूं, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब यहां पर देखो आप, अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मेरा इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड इंक्रीज हो गया तो मुझे आउट ऑफ द बोर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहां पर आउट ऑफ द बोर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट को फ्लो करवा दूं। सो दिस विल बी द इंड्यूस्ड करंट, तो ये हो गया इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे मेरे को एक अपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड बने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मुझे यहां से इसकी डायरेक्शन पता चल गई, सो द डायरेक्शन इज कमिंग आउट टू बी काउंटर क्लॉकवाइज।
So in this case, it is coming out to be counterclockwise. ठीक है, तो इसे कहते हैं लेंज लॉ एंड वी हैव नाउ यूज्ड द लेंज लॉ आल्सो. अब आपको लेंज लॉ भी क्लियर हो गया होगा. बच्चे अभी तक किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. हाँ भाई, इज इट ओके? हाँ जी. चलो, सो नेक्स्ट पार्ट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. अब इसके बाद अब नाउ अब इसको मैं लिखूंगा इमोशनल या फिर ड्यू टू अब यहां पर कैसे होगा. देखो, अब यहां पर ऑब्वियसली ईएमएफ तो इंड्यूस तभी होगा जब फ्लक्स चेंज होगा. यहां पर हम बोलेंगे ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन अ फ्लक्स एसोसिएटेड व्हेन अ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट changes due to the size or area of the circuit. ठीक है, तो अब यहां पर ये बन गया मेरे पास. अब ऐसा सर्किट कैसे बनेगा जिसका एरिया वेरिएबल हो, तो वो बनेगा ऐसे. यहां तक चले गए और यहां पर मैंने एक रॉड रख दी. लेट अस से this is that rod and now इसको remove कर दिया. so now let us say एक loop बन गई a b c. so now this is the loop a b c d. तो जब मैं कहता हूँ loop तो मैं loop से मेरा क्या मतलब है, तो loop का मतलब है a b c d. लूप कह लो, सर्किट कह लो. तो जब मैं कहूं सर्किट तो उसका मतलब है कि मैं एबीसीडी के बारे में बात कर रहा हूं. तो अगर एबीसीडी में बात की जाए और हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया मेरे पास इनटू द बोर्ड. ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड. तो अब देखो, अब अगर मैं इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करूं एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, सो देयर इज फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विद इट. ठीक है, तो आप कहोगे कि सर इसका एरिया फाइंड कर लो, बी से मल्टीप्लाई कर दो, बी इंटू ए हो जाएगा. तो मैंने क्या किया, यहां पर इसको एक वेलोसिटी वेक्टर प्रोवाइड कर दिया. दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एंड द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज एल. अब इसको मैं वेरी कर रहा हूं और अब देखते हैं क्या होगा. so now, according to Faraday, E is equal to यहां पर हमने इसका मॉड लगा दिया, क्योंकि मैं अब लेंस लॉ अभी नहीं लेके आ रहा हूं पिक्चर में, अभी मैं सिर्फ इसको देखूंगा. तो ये आ गया मेरे पास EMF. तो अब इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो. तो फाइव बी, तो यहां पर थीटा को फिर से मैंने जीरो लिया, तो ये बन गया डी इंटू ई इंटू ए थीटा इज टेकन एज 0 डिग्री. तो cos 0 हो गया आपका 1, तो ये आ गया b. तो अब यहां पर जो चीज वेरी हो रही है हमें ये देखना है, तो वेरी क्या हो रहा है. b हमारा कांस्टेंट है, पिक्चर से बाहर आ गया, तो यहां पर बन गया da by dt. तो चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, जितना हमें समय लगा. अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पे बहुत केयरफुल होने की जरूरत है. तो लेट अस से दिस इज x, और मैं जब इसको v वेलोसिटी पर मूव कर रहा था, तो मूव कर अगर मूव होगा तभी तो emf जनरेट होगा. तो जो छोटा सा emf जनरेट होना है वो मैं अब कैसे करूंगा, इसको bx डिस्टेंस पर मूव करेंगे. तो
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हियर बाय दिस इज, तो ये डीएक्स डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। तो अब मैं वापस आता हूं, अब देखो अब इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं बी मल्टीप्लाई बाय तो टाइम, तो चलो मैं मान लूंगा कि मुझे टी लगा था तो मैं वो लिख दूंगा। तो चेंज इन एरिया की बात करूं तो बच्चे ध्यान रखो ये है चेंज इन एरिया। तो पहले तो ये वाला लूप का एरिया था ए बी सी डी, तो मुझे चेंज इन एरिया फाइंड करना है तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतने इतने एरिया को ही फाइंड करना है। दिस इज द चेंज इन एरिया फॉर मी। तो यहां से मैं लूंगा डेल्टा ए तो चेंज इन एरिया विल बी इक्वल टू एल डॉट डी एक्स, इसको मैं यहां पर डी ए के बराबर रख देता हूं और उसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये मेरे पास बन गया बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी कैन बी रिटन एज बी एल वी, तो ये हो गया बी एल, दिस विल बी इक्वल टू B into L into V. So EMF induced will be equal to BLV in this particular case. हाँ भाई बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। Is it fine? ठीक है yes, तो ये हो गया आपके पास EMF जो यहां से आया। अब यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड इज कि मेरे इस पूरे फॉर्मूले में डिराइव वे मैंने क्या चीज यूज की, चेंज इन एरिया। तो अगर मैं यहां पर एक कंडीशन लगा दूं दैट इफ इफ द सर्किट इज नॉट कंप्लीट, If the circuit is not complete, अब अगर circuit complete नहीं है तो क्या होगा, मतलब there is only one rod that is moving और ये जो मैंने यहाँ पर ये जो A B C D loop बनाया है ये loop है ही नहीं, सिर्फ एक rod है मेरे पास। अगर मैं ऐसा मान के चलता हूँ तो what will happen, तो कुछ होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा, तब देखो तब हमारे पास EMF तो generate होगा if circuit is not complete। EMF E will be induced, but current will not, current flow नहीं करेगा लेकिन आपकी जो ये rod बन गई इसके अंदर EMF generate हो जाएगा। तो ये जो rod है ये आपका कैसे act करने लगेगा, एक battery की तरह act करने लगेगा। So this is the EMF that has been generated inside the rod. Rod के अंदर हमारे पास एक potential difference create हो गया और charge को flow करना पड़ेगा। तो अगर circuit complete है तो current flow करेगा, अगर circuit complete नहीं है तो current flow नहीं करेगा। लेकिन EMF तो हर केस में इंड्यूस होगा ही होगा, ये बात तो हमारे पास पक्का है। And EMF will be given by E is equal to BLV. हाँ भाई बच्चों यहां तक बात क्लियर हो गई। तो यहां पर हमारे लिए क्या चीज जरूरी है, एरिया स्वेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, डी ए बाय डी टी इज बेसिकली इक्वल टू द एरिया दैट इज स्वेप्ट। तो चेंज इन एरिया लिख लो डी ए, यहां फिर आप लिख लोगे एरिया दैट इज स्वेप्ट। तो डी ए को मैं यहां पर लिख सकता हूं स्वेप्ट एरिया जो मैंने स्वीप किया। अब चाहे मेरे पास सर्किट हो चाहे ना हो, इन बोथ ऑफ द केसेस देयर विल बी एन ईएमएफ दैट विल बी इंड्यूस्ड। बच्चे यहां तक क्लियर, अब इसके बाद करेंगे हम डायरेक्शन के बारे में।
ठीक है, तो डायरेक्शन यहां पर दो मेथड रहेंगे। एक मेथड तो रहेगा कि भैया आप लेंज लॉ लगा दो आप, अब लेंज लॉ लगाकर देखते हैं। सबसे पहले देखो, अब मुझे बताओ कि इस एरिया में, ABCD एरिया में, अगर ये मेरी रॉड यहां से मूव करके आगे चली जाती है तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? हाँ भाई हर्ष, फ्लक्स इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? हाँ जी सर, अगर ये रॉड यहां से उठ के यहां चली जाती है तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहां से आपका ये वाला एरिया इंक्रीज हो गया जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड जाने लग गया, तो कुछ नई लाइनें थी जो इस एरिया के अंदर जाने लगी, मतलब इस एरिया को अब फ्लक्स इंक्रीज हो गया है। तो अब ये चाहेगा कि एरिया जो ये फ्लक्स इंक्रीज हुआ उसको मैं रिड्यूस करूं, तो मतलब अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड को पैदा किया जाए। तो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा जो कि आउट ऑफ द बुक आएगा? आउट ऑफ द बुक अगर मेरे पास यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए? हाँ भाई, राइट हैंड कर्ल रूल, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, हाँ ठीक है? अब काउंटर क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा तो ही आपके पास एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है विच इज कमिंग आउट ऑफ दी बोर्ड। तो उसने क्या करना है, जो आपका इंक्रीमेंट हुआ था उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। तो मतलब इस करंट का जो इंडक्शन हमने किया है, इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी अगेंस्ट दिस मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों बात क्लियर हुई? हाँ जी सर, ठीक है जशन, बच्चे क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमने इसको काउंटर क्लॉकवाइज क्यों चलाया करंट को? काउंटर क्लॉकवाइज करंट चलाने का मतलब हो गया कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए विच शुड कम आउट ऑफ द बोर्ड। तो आउट ऑफ द बोर्ड आने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण ये जो है कम हो। हाँ भाई, म्यूट किसका नहीं है? चलो जी, तो ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक, ये लेंज लॉ। तो लेंज लॉ से भी हमें डायरेक्शन पता चल गई। यहाँ पर आ गया मेरे पास काउंटर क्लॉकवाइज। अब सेकेंड इसकी डायरेक्शन का जो मेथड है वो है मेरे पास राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, और इसको आप लिख सकते हो Type 3। तो ये Type 3 और Type 2 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है? वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि why there is no difference, but still I say Type 3 क्योंकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। तो Type 3 इसमें क्या होगा हमारे पास? अब सबसे पहले मैं फिंगर्स लेकर आऊंगा, तो फिंगर्स विल बी पॉइंटेड टुवर्ड्स दी मैग्नेटिक। थंब विल बी टुवर्ड्स द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रॉड या कंडक्टर। तो पाम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाम इज ऑलवेज टुवर्ड्स द थिंग विच इज अननोन, तो यहां पर पाम किसकी तरफ हो जाएगा? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कह लो, इंड्यूस्ड EMF कह लो, तो इंड्यूस्ड करंट। तो अब इसी चीज को अगर मैं मेरे इस वाले सर्किट में अप्लाई करके देखता हूं तो क्या ये बात सही आ रही है? हाँ भाई, करके देखो। अपनी उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लगाएंगे विच इज इनटू द बोर्ड, और मेरे थंब को हम वेलोसिटी की तरफ लगाएंगे, तो मेरा पाम ऊपर की तरफ देख रहा है। देखो बच्चे, देख रहा है कि नहीं देख रहा? हाँ भाई, हो गया सबका समझ में आ गया? तो पाम अगर ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब यह है कि आपका करंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इस रॉड में करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आप यूं कह सकते हो कि मेरे पास एक बैटरी बन चुकी है,
इस तरह, जो बैटरी इस तरह लगी है और यहां से करंट ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ भाई, एनी बडी इन फाइंडिंग डायरेक्शन? क्या चलते हैं आगे? हाँ ठीक ओके, चलो इसके अब बात देखते हैं। तो अब मैं इसमें कैसे देखेंगे। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि पाम रूल जो है वो बड़ा टाइप 2 और टाइप 3 में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता, तो वो क्यों होता है ऐसा वो हम आगे मैं बताता हूँ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आया इंड्यूस्ड करंट, फ्रॉम लॉरेंट्स लॉ, लॉरेंट्स लॉ नहीं, लॉरेंट्स फोर्स। तो लॉरेंट्स फोर्स क्या होती है वो आप पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में। तो लॉरेंट्स फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि इसमें इंडक्शन हुआ तो हुआ क्यों, ठीक है। चलो जी, तो लेट अस से देयर इज अ कंडक्टर, ठीक है, एंड दिस कंडक्टर इज गिवन अ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, वी वेलोसिटी मैंने दे दी, हमने यहां पर मान लिया। मूविंग विद वेलोसिटी वी इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरे पास वो ऐसा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब मैं यहां पर अज्यूम करने वाला हूं पॉजिटिव चार्ज। लेट अस अज्यूम अ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड दिस कंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड दिस कंडक्टर, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। बिकॉज द कंडक्टर इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी, टुवर्ड्स राइट, ठीक है, the positive charge the positive charge is forced to move in this direction। तो इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज को धक्के से हम ले गए, तो पॉजिटिव चार्ज को तो अपने आप ही एक सर्टेन वेलोसिटी मिल जाती है, विच कैन बी सेड कि इतनी वेलोसिटी इसको मिल गई, जितनी वेलोसिटी उसके पास थी कंडक्टर के पास उतनी वेलोसिटी एक चार्ज को हो गई। एंड वी नो दैट मूविंग चार्जेस थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स, तो इनको फोर्स लगेगी, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन द फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज, अब ये बताएं हर्ष, बताओ भाई ये पॉजिटिव चार्ज को फोर्स कहाँ लगेगी? जशन तुम भी बता सकते हो, बच्चे मोहित बच्चे ट्राई करो, एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ
बोलेगा कोई? हाँ भाई, आप लोगों का टेस्ट हो चुका है मैग्नेटिक करंट का, तो अब ये तो बता दो, पाम रूल यूज कर रहा है कोई कि नहीं कर रहा? मुझे नहीं लग रहा, कोई उम्मीद नहीं मुझे तुम लोगों से। उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेकर जाओगे, पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी की तरफ करंट होगा, तो करंट की डायरेक्शन थंब से आएगी, तो इसको फोर्स कहाँ लगेगी? इसको फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब इसे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो ये हो गया मेरे पास ऐसे। तो दिस फोर्स, इट विल बी ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो ये वाला रीजन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। दिस रीजन विल बिकम पॉजिटिव विद टाइम, एंड दिस रीजन विल बिकम नेगेटिव विद टाइम। जो नीचे वाला रीजन है वो नेगेटिव बन जाएगा और ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा सर्किट अभी यहाँ पर कोई कंप्लीट नहीं हो रहा। दिस इज ए फुल फ्लेज्ड कंडक्टर, ये एक मेरे पास कंडक्टर का पूरा पीस है, और इस कंडक्टर में भी मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, तो ईएमएफ हैज बीन जनरेटेड बट करंट इज नॉट फ्लोइंग एंड द फोर्स, तो मैं इसको लाइन को कंप्लीट करता हूँ, द फोर्स विल बी अपवर्ड्स, हेंस ईएमएफ इज जनरेटेड बट करंट डज नॉट फ्लो। तो ईएमएफ जनरेट हो गया और करंट फ्लो नहीं होता। तो अब यहां पर इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आपने राइट हैंड पाम रूल तो यूज किया, लेकिन कौन से टाइप वाला? टाइप टू यूज किया। तो ये टाइप टू से आपका ये ऊपर चली गई फोर्स। तो सेम टू सेम चीज ही तो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा वही चीज आ रही है। हमारे पाम का क्या आ रहा है? इंड्यूस्ड करंट। तो बेसिकली इंड्यूस्ड करंट क्या है? इंड्यूस्ड करंट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप इंड्यूस्ड करंट कहोगे। तो ये बिल्कुल वही, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, तो ये टाइप टू वाला पाम रूल ही बन जाता है। तो सेम टू सेम पाम रूल है। तो दिस इज इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम लॉरेंट्स फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ भाई बच्चों, समझ में आ गया? डन। हाँ जी सर। चलो इसके आगे चलते हैं। तो बीएलवी हो गया हमारा, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद हमें करना है बीएलवी आगे ना। अब हम करेंगे इसकी डिटेल्स। तो डिटेल्स ऑफ डिटेल्स ऑफ चलो भाई, तो अब मैं पूरे का पूरा सर्किट मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। सो आई विल सेव माय एफर्ट्स। तो ये हो गया मेरे पास। तो अब इसमें जब मैं ये इन चीजों को वेरी कर रहा हूं, तो मेरे पास यहां पर मैंने वेलोसिटी दे दी, तो मेरे पास यहां पे करंट मूव करने लग गया। तो आई एम रेफरिंग टू द सेम डायग्राम, ठीक है। सो अभी नंबर वन, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई विल बी गिवन बाय ई इनटू एल इनटू वी। तो अब ये तो मुझे पता चल गया कि भाई अगर एल लेंथ का कंडक्टर है और वो ऐसे मूव कर रहा है, तो आपके पास वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ईएमएफ जनरेट होगी जो कि बी एल। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड करंट। तो करंट विल बी गिवन बाय जो भी ईएमएफ है डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट।
तो पहले तो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दूँ, तो ये रेजिस्टेंस हो गया आर, हमारे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मैंने एक ही जगह पर लगा दिया, तो आर पे मैंने डिवाइड किया और मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। सो इंड्यूस्ड करंट आई इज गिवन बाय वीएलवी बाय, तो ये हो गया इंड्यूस्ड करंट। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट विल बी करंट आई आ गया। सो फोर्स, अब देखो अब यहां पर करंट फ्लो करने लग गया, ठीक है, तो फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, नाउ दैट इज गिवन बाय बी आई एल साइन थीटा, ठीक है, तो ये मेरे पास फोर्स बन गई P इंटू आई इंटू एल, थीटा मेरे पास यहां पर 90 डिग्री हो गया, उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, तो बी आई एल 90 डिग्री, सो बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, आई इज बी एल वी बाई आर मल्टीप्लाई बाय वी, दिस इंप्लाइज द फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी गिवन बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आई इज इक्वल टू बी एल वी बाई आर, ये भी मैं कर देता हूं, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि देर विल बी अ फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, सो वेयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, हाँ भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम कैसे निकालेंगे, फिर से पाम रूल यूज करूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मेरी उंगलियां रहेंगी और करंट की तरफ मेरा थंब रहेगा, तो करंट ऊपर है तो मुझे दिख रहा है कि मेरा पाम किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, पाम इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, व्हाट इज दिस डायरेक्शन, वी कैन कॉल इट लेफ्ट, तो लेफ्ट डायरेक्शन में इसको फोर्स लग रहा है, तो जो इसे फोर्स लग रहा है that will be in this direction, तो ये हो गया आपका force, force on the current carrying conductor will be in this direction, बच्चे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे immediate basis पे बता देना कि सर समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना, towards left, तो फोर्स किधर हो गई इसकी, लेफ्ट की तरफ हो गया, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मेरे पास ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहली बात मैंने इसको वेलोसिटी दी, मेरे पास इनपुट क्या है, सिर्फ दो है, बी और वी, अगर मैं अकेली वेलोसिटी दूंगा बी नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होगा, अगर बी होगा और वी नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होगा, तो ये दोनों चीजें जरूरी है, तो मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक वेलोसिटी है, जब मैंने इस वेलोसिटी से इस रॉड को मूव किया यहाँ पर EMF जनरेट हो गया, EMF जनरेट होने के कारण मेरे पास यहाँ पर करंट आ गया, करंट जब इस सर्किट से फ्लो होने लगा तो इस कंडक्टर में से भी करंट फ्लो हुआ, तो इसको एक फोर्स लगने लगी, मैग्नेटिक फोर्स, तो वो फोर्स कितने लगी, ये वाली, ये फोर्स किधर लग गई, अंदर की तरफ, विच इज अपोजिट टू V, सो यू कैन सी दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोवाइडिंग विद ए फोर्स विच इज अपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहता कि आप इस एरिया को इंक्रीज करो, मैग्नेटिक फील्ड आपको एक काउंटर फोर्स प्रोड्यूस करके दे रहा है कि ये जो रॉड है ये अपनी नॉर्मल वेलोसिटी पर मूव ना कर सके, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा हेंस मैग्नेटिक फील्ड is trying to stop
इंक्रीज इन एरिया विच रिजल्टेड इन इंक्रीज इन फ्लक्स. By producing opposite force. तो अब इसने क्या किया, अपोजिट फोर्स को प्रोड्यूस करते हुए इस रॉड को रोकने की कोशिश की कि भाई तू रहने दे उधर जाने को, अगर जाएगा एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ जाएगा, मैं नहीं चाहता कि फ्लक्स बढ़े, तो इसने काउंटर फोर्स लगा दी. तो अब क्या हो गया, अब आपकी ये रॉड रुकने लगी. लेकिन अब चाहते हो आप कि भैया ये रॉड ना रुके, ये रॉड वी वेलोसिटी पर चलती ही रहे. अगर ये वी वेलोसिटी पर चलती ही रहे तो आपको काउंटर फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, विच शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू दिस फोर्स. तो ये वाली फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट एक और फोर्स आपको यहां पर लगाना पड़ेगा. तो लेट अस कॉल इट एक्सटर्नल फोर्स. तो एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू दिस. That is required to maintain the velocity of the rod. तो external force जो आ गई आपके पास, इसको मैंने लिखा, so that will be equal to F only. सेम इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें, अपोजिट इन डायरेक्शन. अपोजिट इन सेंस. हाँ भाई बच्चों, समझ में आ गया. यहां पर एक फोर्स लगेगी जो कि काउंटर फोर्स हो जाएगी, जो कि इस फोर्स को सिर्फ कैंसिल करने के काम आएगी, फोर्स को कैंसिल कर देगी. तो आपका ये जो वी है ये ऐसे ही ऐसे चलता रहेगा, आपकी रॉड विल कंटिन्यू टू मूव इन दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी वी. यहां से मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं कि भाई अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो एक्सटर्नल वर्क डन भी हो रहा है, सो व्हाट इज द एक्सटर्नल पावर दैट इज एग्जॉस्टेड. तो एक्सटर्नल पावर इज गिवन बाय एफ इनटू वी. बहुत पुराना फार्मूला एफ इनटू वी, 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, 9th या 10th में, एफ इनटू वी, वही वाला फार्मूला जो हमने 11th में पढ़ा था, यहां पर रिपीट हो गया. तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला, एक्सटर्नल पावर का फार्मूला. एक्सटर्नल पावर द रेट एट विच एनर्जी इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, क्योंकि मुझे वर्क करना पड़ रहा है उसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव करते हुए चलने के लिए, एक कांस्टेंट करंट की सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए. अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये रेजिस्टेंस की जगह मैंने यहां पर एक बल्ब लगा दिया, तो वो बल्ब जलता ही रहे, तो उसको करंट की कंटिन्यू सप्लाई देनी पड़ेगी. और कंटिन्यू सप्लाई करंट की कैसे मिलेगी, अगर मैं इस रॉड को आगे की आगे खींचता जाऊं, आगे की आगे खींचता जाऊं, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी पर चलती ही जाए, चलती ही जाए, चलती ही जाए, तो मेरे पास एक कांस्टेंट यहां पर करंट पैदा हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा. हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, प्रैक्टिकली तो इट इज इम्पॉसिबल, हाइपोथेटिकल है. ये हो गया आपका एक्शन. अब मेरे पास यहां पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मेरे पास यहां पर करंट आई है और आर है, तो यहां पर पावर लॉसेज होंगे भाई. तो यहां पर जो पावर लॉसेज हो रहे हैं, ये कितने पावर लॉसेज हो रहे हैं, आई स्क्वायर आर. तो ये भी मैं देख लेता हूं, क्या ये इक्वल एंड अपोजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो पावर इज गिवन बाय आई स्क्वायर इनटू आर. तो आई स्क्वायर, आई कितना था मेरे पास, BLV by R into R. तो ये मेरे पास आ गया B square L square V square by R. तो ये बिल्कुल सेम आ गया है,
जो ऊपर आ रहा था टोटली सेम। तो इट मींस जितना एनर्जी मैंने इनपुट किया उतनी ही मेरी सारी की सारी एनर्जी मुझे इलेक्ट्रिक पावर में आउटपुट हो गई। सो पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउट। तो ये बात भी मेरे पास सही हो गई। हाँ भाई बच्चों यहां तक हो गया क्लियर? ओके तो ये हो गया आपका इमोशनल ईएमएफ, लेकिन इसमें अभी एक टॉपिक हमारा अभी भी बाकी बचा रह गया है, और वो एक टॉपिक है आपका सर्कुलर मोशन वाला। तो 5 मिनट्स हैं, वी कैन कंप्लीट इट, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड फॉर दिस टॉपिक। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन। बहुत ही छोटा टॉपिक है, 2-4 मिनट का ही, इसलिए मैंने अभी शुरू किया है। तो अब इस केस में क्या होगा, मेरे पास एक कंडक्टर है। नाउ लेट अस से दिस इज द कंडक्टर, और ये कंडक्टर मेरा रोटेट कर रहा है एक तरह से, यू यह चला गया। तो ये रोटेट हो रहा है, ऐसे करके बिल्कुल सही बन गया ना। ठीक है, तो ये इस तरह से रोटेट हो रहा है मेरे पास। ठीक है, तो अब अगर ये रोटेट होता है तो मुझे देखना है कि क्या इसको इसमें भी कोई ईएमएफ जनरेट होगा। तो सबसे पहली बात तो भाई, इसको ओमेगा जो गिवन है वो ओमेगा किधर गिवन है, ओमेगा गिवन है ऐसा ओमेगा। इट मींस कि यहां पर इसको जो वेलोसिटी वेक्टर इसका मिल रहा है, दैट शुड बी दिस। तो अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, मान लो मेरे पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद सम सर्टेन वेलोसिटी, जो भी कुछ भी हो सकती है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे गिवन है जो कि है इनटू द बोर्ड, तो कैन यू टेल मी वेयर विल बी द फोर्स ऑन द चार्ज। देखो फिंगर्स को हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और उंगली को करेंगे हम पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की तरफ। तो अगर मैं QVB फॉर्मूला लगाऊं तो मैं अभी भी इस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं दैट दिस पोर्शन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस पोर्शन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो आई एम श्योर कि EMF तो जनरेट होगा ही, इंड्यूस EMF तो आएगा ही, लेकिन कितना आएगा और कैसे करेंगे हमें अब ये चीज देखनी है। तो चलते हैं हम फैराडेज लॉ के पास। तो फैराडे लॉ E इज गिवन बाय d5 by dt। अगेन मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करूंगा, इज वो d5 by dt। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, थीटा मेरे पास 0 डिग्री है, तो इसमें भी मेरे पास आया ये। तो मैं अब एक सर्टेन टाइम लेकर चल रहा हूं, जब मेरी बॉडी यहां से चलकर यहां तक पहुंच चुकी थी, ठीक है, एंड सो मेरा जो एरिया मूव हुआ, व्हाट इज दैट एरिया, दिस इज द एरिया दैट वाज स्वेप्ट, दिस इज द एरिया दैट वाज स्वेप्ट। So, ये मेरे पास एरिया हो गया जो मैंने स्वीप किया। तो मैं चेंज इन एरिया यहां पर फाइंड करूंगा, लेट अस से दैट दिस इज थीटा एंगल। तो ऐसे केस में चेंज इन एरिया
द एरिया ऑफ द सेक्टर, और एरिया ऑफ द सेक्टर इज गिवन बाय हाफ इंटू थीटा आर स्क्वायर। तो ये पहले बड़ी बार हम कर चुके हैं, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू थीटा, ये है ये, ठीक है ना। तो इसको अपने आप देख लेना, यूनिटरी मेथड से निकाल लेना। तो ये आ गया, इसको मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं बी, ठीक है। और टी मेरे पास हो जाएगा टोटल टाइम जो मैंने स्वीप किया, तो एरिया मेरे पास क्या आ गया, डी टी। चलो अगर मैं इसको डी टी लिख दूंगा तो मुझे थीटा भी डी थीटा लिखना पड़ेगा, अगर थीटा को थीटा लिखूंगा तो मुझे डी टी को टी लिखना पड़ेगा, वन इज सेम थिंग। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया डी, मेरी जो डायग्राम बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ये थीटा आ जाएगा, टी टाइम आ जाएगा। थीटा बाय टी कैन बी रिटन एज ओमेगा हाफ इनटू टी आर स्क्वायर ओमेगा। सो द ईएमएफ दैट इज जनरेटेड इज टी ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका जो ईएमएफ जनरेट, सो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस केस। मुझे लगता है बच्चे कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं सर मुझे समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो यू आर वेरी मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आकर मुझे बोल सकते हो कि सर ये समझ नहीं आया मुझे बता दो। और विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पोर्शन अप टू डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2, सो यू आर नाउ इन पोजिशन टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन इन डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2। तो आई एक्सपेक्ट यू टू डू दैट बाय टुमारो, ठीक है। दो दिन आपके पास हो गए हैं, तो कल तक आप डीपीपी 1 और डीपीपी 2 का कंप्लीट कर लेना। मेरी उम्मीद है कि वो विद इन 2 आवर्स आप ये काम को कंप्लीट कर सकते हो, सो दैट आई डोंट थिंक दैट इज अ बिग डील, आप देख लो। बच्चे कोई डाउट है तो मुझे बता दो, अदरवाइज मैं क्लोज कर देता हूं यहां पे। नहीं, विद दिस आवर मोशनल ईएमएफ इज ओवर। ओके चलो, ऑल द बेस्ट, बाय। हेलो 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 हेलो।